हर हर महादेव भैया, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ पांच ऐसे कलाकार के गाने के बारे में, क्योंकि सावन का लास्ट महीना चला है, एक सोमवारी और बच चुका है। इसी पे बात करते हैं कि सावन में सबसे ज्यादा अगर गाना किसका बजा है, सावन में सबसे बम ब्लास्ट गाना किसका हुआ है। चलिए गाइस, आपको बात करते हैं पांचवें नंबर कलाकार के गाने के बारे में। तो पांचवें नंबर पर सुनिए महादेव के दुनिया दीवाना भाई। इस गाने के रिव्यू की बात करते हैं तो इस गाने का व्यू है 8.5 मिलियन, देख सकते हैं स्क्रीन पर 8.5 मिलियन है। इसी के बाद अब चौथे नंबर कलाकार के गाने की बात करेंगे। चौथे नंबर कलाकार कौन हो सकता है, सुनो, बाबा की भंगिया रसगुल्ला। ये है नीलकमल सिंह का गाना। ये नीलकमल सिंह का इस साल का मतलब इस सावन का सबसे हिट सॉन्ग है, देख सकते हैं स्क्रीन पर 8.7 मिलियन है, लगभग 9 मिलियन पहुंचने वाला है इस गाने का, देख सकते हैं आप। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर कलाकार के गाने के बारे में। तीसरा नंबर कलाकार कौन हो सकता है, रितेश पांडे जी का इस साल का सबसे बड़ा गाना हो सकता है रितेश पांडे का, 10 मिलियन क्रॉस हो चुका है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। सारे गामा हम भोजपुरी से गाना आया हुआ था, लगभग 10 मिलियन प्लस होने वाला है, देख सकते हैं। चलिए भाई बात करते हैं अब दूसरे नंबर कलाकार के गाने के बारे में। तो दूसरे नंबर पे है खेसारी लाल यादव जी। तो खेसारी लाल यादव जी का ये गाना अन्नपूर्णा फिल्म से जो रिलीज हुआ था, इस गाने पर व्यू की बात करेंगे तो 10 मिलियन है, देख सकते हैं स्क्रीन पर 10 मिलियन क्रॉस हो चुका है। मगर बात कर देंगे अब पहला नंबर पर, तो पहला नंबर पर गाना सुनिए, चूरी हरी हरी। इस गाने पर अगर बात करते हैं तो चूरी हरी हरी पर 22 मिलियन है भैया व्यू, देख सकते हैं स्क्रीन पर 22 मिलियन। इस साल का 2023 का सावन में सबसे हिट सॉन्ग है, वो है पावर स्टार पवन सिंह का, देख सकते हैं। खेसारी लाल यादव जी का 10 मिलियन था, उसके बाद रितेश पांडे जी का 10 मिलियन था, उसके बाद नीलकमल सिंह का 8.7 मिलियन था, वही टुंटू लाल यादव जी का 8.5 मिलियन था। मगर आप लोग जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा किनका गाना सबसे ज़्यादा मार्केट में बजा है।